आज हम देखने वाले हैं कैसे बनती है आलू टिक्की। सबसे पहले हमारी आलू टिक्की तैयार करी जाती है। आलू टिक्की को हथेली से फैला लिया जाता है। ग्लव्स का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करा जाता क्योंकि ग्लव्स प्लास्टिक के होते हैं और वो हाइजीन वाले नहीं होते हैं। यहाँ पर फुल हाइजीन मेंटेन करा जाता है। हाथों को अच्छे से वॉश करा जाता है फिर बनाई जाती है आलू टिक्की। अब हमारी आलू टिक्की जाती है तेल में और ये होती है फ्राई। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके फ्राई होने लगी है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, हमारे साथ देखिएगा एंड तक। आप देख सकते हैं हमारी जब टिक्की गोल्डन कलर की हो जाती है इसे निकाल लिया जाता है। गोल्डन ब्राउन कलर की ये हो चुकी है और फिर इसको मैश करा जाता है, इसको अच्छे से फोड़ लिया जाता है। आप देख सकते हैं हमारी कितनी टिक्की क्रिस्पी है और उसके ऊपर से आ जाती है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के ऊपर से आ जाता है हमारा चाट मसाला और उसके ऊपर डाली जाती है फ्रेश तैयार करी हरी चटनी और उसके ऊपर डाली जाती है फ्रेश तैयार करी मीठी चटनी जिसे हम सॉल्ट भी कहते हैं और ऊपर से आ जाती है दही। दही भी फ्रेश रहती है। सारी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे फ्रेश रहने वाले हैं। ऊपर से आ जाते हैं वेजीज। वेजीज में आती हैं टमाटर और यहाँ पे पनीर भी डाल जाता है और साथ में डाल दिए जाते हैं अनार के दाने और ऊपर से आ जाती है गार्निशिंग। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी ये लग रहा है। ऊपर से इतनी बढ़िया गार्निशिंग इसमें डाली जाती है। गार्निश